मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्रदेश के एसएसपी के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को वाहन को लेते जाते हुए देखकर आशंका हुई, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चालकों को रोककर पूछताछ की। पूछताछ के समय ऑटो लिफ्टर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया और चोरों को वहीं धर दबोचा। आपको बता दें, पुलिस टीम चोरों के पास से तीन मोटरसाइकिल सहित एक जनरेटर बरामद किया है और बदमाशों को खिलाफ मामले दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सर, जो आज वाहन चोरों को लेकर जो खुलासा है, आपका क्या है? थाना सिविल लाइंस ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर राज्य वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। ये वाहन चोर गिरोह जो है, ये पंजाब और हरियाणा वहाँ से मोटरसाइकिल चुरा के या मुरादाबाद परिक्षेत्र में जो ज़िले हैं, जैसे अमरोहा हो गया, मुरादाबाद हो गया, इन जगहों पे ये मोटरसाइकिल लेके आते थे और यहाँ से ये विभिन्न लोगों को बेचते थे। इस गिरोह के दो लोग जो कि जिनके नाम है मोहम्मद नासिर पुत्र छोटे, निवासी गिरजागर रोड इस्लाम नगर कादरी मस्जिद के पास थाना पागवाड़ा, तथा एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति नसीम पुत्र हफीज अहमद, निवासी ब्रह्मपुर मस्जिद के सामने थाना बिलारी, इन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से तीन मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है। एक बुलेट रॉयल एलिफील्ड, एक पल्सर काले रंग की, एक स्प्लेंडर, तीन मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त एक जनरेटर भी बरामद हुआ है जो इन्होंने मेरठ शामली हाईवे पे से किसी होटल में से उठाना बताया है। इनके अलावा दो अन्य व्यक्ति इनसे पूछताछ में पता लगा है, जिनके नाम है सतवीर सिंह और जयवीर सिंह। ये गजरौला जिला अमरोहा के निवासी हैं, ये भी इस गिरोह में शामिल हैं। इनमें से एक व्यक्ति जयवीर सिंह पंजाब में गिरफ्तार, एक मुकदमे में, इसी वाहन चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार होना बताया जा रहा है, जिसकी तस्दीक की जा रही है, और मोटरसाइकिल कहां से आई है इसकी भी तस्दीक की जा रही है। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है पिछला कुछ? इनका दोनों का पूर्व आपराधिक इतिहास है, इन पे पहले मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। सर, ये गिरफ्त में किस तरह से आए पुलिस की गिरफ्त में? ये इन लोगों की जो हमारी डेली चेकिंग होती है रेगुलरली यहाँ पे, तो संदिग्ध मोटरसाइकिलों वगैरह की चेकिंग होती है, जिसमें ये एक जो इनके पास चोरी की जो मोटरसाइकिल थी, बुलेट बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी जिस पे ये जा रहे थे, तो इनसे उनको पकड़ा गया और पूछताछ में ये सब चीज़ें निकल के सामने आई। चोरी की बाइक यह चोरी की मोटरसाइकिल बुलेट की हमें पता लगा है कि लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये तक की कीमत इन्होंने लगाई थी बुलेट, जो कि जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 2 लाख के आसपास है, तो इस रेट पे इन्होंने बेचने की कोशिश भी की। सर, पुलिस पूछताछ में क्या इन्होंने और भी सदस्यों के नाम बताए हैं? जैसा कि मैंने बताया कि दो अन्य लोग जिनके बारे में ये बता रहे हैं, इनमें से एक ऑलरेडी जेल में निरुद्ध है तथा दूसरे की हम तलाश कर रहे हैं।